सर फिर से मैं करा देता हूं, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कम ही क्वेश्चन किए हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, तो मैं डेप्रिसिएशन का फिर से एक क्वेश्चन करा देता हूं। देखिए, लिखिए डेप्रिसिएशन डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट, डेबिटेड, सिंपल डेबिटेड, डेप्रिसिएशन डेबिट ही तो करेंगे, डेबिटेड अकाउंट्स के हिसाब से, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। जो रिवैल्यूएशन का पोर्शन था, जैसे 1 लाख से आपने 18 लाख किया तो 17 लाख पर जो डेप्रिसिएशन, 1 लाख के एसेट को आपने कितना कर दिया 18 लाख, तो 17 लाख जो एक्स्ट्रा है उसका डेप्रिसिएशन, जो एक्स्ट्रा एसेट्स की रिवैल्यूएशन की उसका डेप्रिसिएशन आपका कितना है से 4 लाख, और ओवरऑल डेप्रिसिएशन कितना है से 7,50,000। ये हो गया अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डेबिटेड। अब आपको पता है एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन कितना इसमें डेप्रिसिएशन है, ठीक। अब अमाउंट क्रेडिटेड इन पीएनएल अकाउंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, आपका पीएनएल अकाउंट से रिवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा क्रेडिट भी हो रखा है कितना 3,20,000। एक ये भी हो गया, और एक और डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32, इनकम टैक्स का सेक्शन 32 के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन कितना है 6 लाख, और आपका क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना 10 लाख, ठीक। अब जो पीजीबीपी इनकम निकालेंगे उसमें क्या एडजस्टमेंट करेंगे, और जो बुक प्रॉफिट निकालेंगे उसमें क्या एडजस्टमेंट करेंगे, पहली लाइन दोनों में लिखी हुई है नेट प्रॉफिट 10 लाख, नेट प्रॉफिट 10 लाख। चलिए ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं। सर डेप्रिसिएशन मैट की क्लास में है, डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट हम मैट की क्लास में है सेक्शन 115JB में, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ डेटा दे रखा है, और हम लोग पहले क्वेश्चन कर रखे हैं 2-3 क्लास में, और ऐसा चलो एक साथ में कंपेरिजन करके खत्म करें कि क्या हम कंफर्टेबल है कि नहीं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पीएनएल अकाउंट में, तुम्हारा क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है एज पर पीएनएल अकाउंट शेड्यूल 3 10 लाख रुपए दे रखा है, और अदर इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन 6 लाख है, अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन 7,50,000 है लेकिन उसमें रिवैल्यूएशन का अमाउंट 4 लाख है, और इधर रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व से तुमने 3,20,000 रुपए क्रेडिट कर रखा है, ये डेबिट कर रखा है, ये क्रेडिट कर रखा है, और ये एज पर सेक्शन 32 इनकम टैक्स वाला है, ठीक। अब तुमको पीजीबीपी इनकम निकालने के लिए क्या एडजस्टमेंट करनी है, और मैट के लिए बुक प्रॉफिट निकालने के लिए क्या एडजस्टमेंट करनी है, देख लो। अब इसको तो आप खुद बना के देख लो कि आपको कितना आता है। 4 क्लास मैट हो चुकी, लास्ट क्लास है, इसके बाद हम लोग बिजनेस ट्रस्ट वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक बार हाथ साफ कर लो खुद, लिखिए इसको एक बार खुद ही हाथ साफ कर लीजिए इस पे, कैसे कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। एक कोशिश आपने कर ली शायद वीडियो रोक के, आप इसको लिख चुके हैं और आप आंसर के साथ तैयार हैं, नहीं तो वीडियो रोक लीजिए, डन। आप एक कोशिश कर चुके,
आंसर के साथ आप रेडी हैं। सर हम लोग पीजीबीपी में क्या करते हैं, पीजीबीपी में ऐड करते हैं क्या डेप्रिसिएशन एज डेबिटेड, ठीक। डेप्रिसिएशन जो भी तुमने डेबिट कर रखा है एज पर अकाउंट्स वाला, वो आप उसको एड बैक कर दो, 7,50,000, ठीक। एक चीज और आपने यहां पे कर रखा है, अमाउंट रिजर्व से ला रखा है। रिजर्व को हम लोग ना पीजीबीपी की क्लास में रिजर्व्स की कोई वैल्यू नहीं है, खासकर रिवैल्यूएशन रिजर्व। जनरल रिजर्व में पैसा ले जाओ उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जनरल रिजर्व से पैसा लाओ उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इनकम टैक्स में रिवैल्यूएशन को इग्नोर करते हैं हम लोग। तो अब तुमने जनरल रिजर्व से पैसा 3,20,000 लाए हो पीएनएल अकाउंट में, ठीक, उसका कोई यूज नहीं है। आप नॉर्मल पीजीबीपी की जो क्लास होती है उसमें इस रिवैल्यूएशन रिजर्व से जो पैसा आया हुआ है, जिसके कारण आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, उसको इग्नोर करना पड़ता है। तो इसको माइनस करेंगे, लेस अमाउंट क्रेडिटेड फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये भी किया होगा आपने शायद, 3,20,000। और एक और चीज माइनस करेंगे अब, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 6,00,000। जो नॉर्मल पीजीबीपी की कैलकुलेशन होती है उसमें क्या करते हैं, अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं और इनकम टैक्स वाला घटाते हैं। अल्टरनेटिवली आप ऐसा भी कर सकते थे, एक्सेस डेप्रिसिएशन 1,50,000 जोड़ देते, भाई डेप्रिसिएशन 7,50,000 लिए थे, लेना है 6,00,000, एक्सेस डेप्रिसिएशन 1,50,000 करके जोड़ देते, ऐसे की बात बराबर ही है। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं, इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन घटाता हूं, अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन जोड़ता हूं अपने हर क्लास में। ये मेरा आ गया नॉर्मल पीजीबीपी के हिसाब से, जो आप जानते हो पीजीबीपी की क्लास से। अब मैट में क्या सीखा आपने, तो सर मैट में तो सीखा क्या, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, डेप्रिसिएशन एज डेबिटेड इन योर बुक्स ऐड कर दो, 7,50,000 टोटल आ गया, 17,50,000। अब इसमें अकाउंट्स वाला ही डेप्रिसिएशन माइनस करो, अकाउंट्स वाला ही डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स बट एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिलेटेड डेप्रिसिएशन, कितना था रिवैल्यूएशन रिलेटेड, 4,00,000। 7,50,000 में से 4,00,000 रिवैल्यूएशन रिलेटेड था, तो आपका माइनस कितना होगा, 3,50,000। सर मैट में जो हम लोग बुक प्रॉफिट निकालते हैं उसमें, मैट में जो बुक प्रॉफिट निकालते हैं उसमें डेप्रिसिएशन जो सेक्शन 32 वाला है 6,00,000, उसका कोई यूज नहीं है। हाँ लेकिन अब इसमें से और घटेगा क्या, रिवैल्यूएशन रिजर्व से पैसा आपने क्रेडिट कर रखा है 3,20,000, वो घट जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन कितना है, 4, विच एवर इज लोअर घटाते हैं। अगर रिजर्व से 5,00,000 आता, 5, तो 4,00,000 घटाते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व का डेप्रिसिएशन 4,00,000 और इधर रिवैल्यूएशन रिजर्व से क्रेडिट 3,20,000, 3,20,000 घटेगा। अगर ये 3,20,000 की जगह 5,00,000 होता तो 4,00,000 घटाते। फिलहाल आप कितना घटाएंगे, लेस अमाउंट क्रेडिटेड फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व। बोला सर ये तो पूरा फायदा मिल गया, पूरा फायदा नहीं, 3,20,000 का फायदा मिला आपको। आप 4,00,000 रुपए डेबिट करना चाहते थे, नहीं कर पाए, आपको डेबिट करने, आप डेबिट करना चाहते थे कितना, 7,50,000 डेप्रिसिएशन का, नहीं मिला आपको, डेबिट करने कितना मिला, 3,50,000। लेकिन आपने अपनी प्रॉफिट को बढ़ा भी रखा है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, तो उसको इग्नोर करने के लिए हम उस पूरे अमाउंट को घटा देंगे, क्योंकि उतना आपने डेप्रिसिएशन इधर डेबिट कर रखा है, ठीक। ध्यान रखना, अगर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड डेबिट डेप्रिसिएशन कुछ भी ना होता, मान लो ये 4,00,000 का फिगर 1,00,000 होता, तो आप 1,00,000 घटा पाते, क्योंकि फिर 3,20,000 और 1,00,000, विच एवर इज लोअर, ये आपको हमेशा देखना पड़ेगा, ये आपको हमेशा देखना पड़ेगा। ये मैंने कंप्लीट बता दिया है एग्जाम में, अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिलेटेड। अगर आप ये फंडा फॉलो करोगे तो मैट के क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन,
रिवैल्यूएशन रिलेटेड डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन रिजर्व, इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन होगा इतना ही कॉन्सेप्ट होगा। सर अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व चर्चा में है ही नहीं तो भूल जाओ ना, वो तो कर चुके ना आप, 7.5 लाख जोड़ चुके, 3.5 लाख घटा चुके, बस इतना ही करना। सर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कहा, तो 7.5 लाख जोड़ो, 3.5 लाख घटाओ, 6 लाख का कोई यूज नहीं है बुक प्रॉफिट में, ये बात ध्यान रखना। कंप्लीट कर लो, 6 लाख का कोई यूज नहीं है बुक प्रॉफिट में, कंप्लीट करें। सर दोनों का आंसर तो अलग अलग आया है। हाँ अलग अलग ही आएगा, वो इनकम टैक्स के हिसाब से चल रहा है नॉर्मल प्रोविजंस, और ये बुक प्रॉफिट में हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन देखते हैं, तो आंसर तो अलग अलग ही आएगा दोनों का। हमने कब कहा दोनों का आंसर सेम आएगा? दोनों का आंसर अगर सेम आए तो फिर जरूरत ही क्या है मैट के एडजस्टमेंट करने की। अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व से 5 लाख रुपया क्रेडिट होता तो फिर हम 4 लाख घटाते 3.20 की जगह, विच एवर इज लोअर, रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्रेडिट और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड डेप्रिसिएशन, दोनों में से विच एवर इज लोअर को घटाएंगे बुक प्रॉफिट के लिए। डन सर। अब हम लोग चलेंगे किसमें? बिजनेस ट्रस्ट के पॉइंट्स में, 4 पॉइंट्स जो अब हमारे बचे हुए हैं उसमें चलेंगे। आई होप आप लोग वीडियो रोक के ये लिख चुके हैं, आप ये भी वीडियो रोक के लिख चुके हैं, आपका हमारा आंसर मैच कर रहा है, सही है, नहीं तो इंप्रूव कीजिए अपनी नॉलेज को, पढ़ाई को। अब हम अपना बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास उसमें चल रहे हैं।